हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अखिलेश। वेलकम टू अचीव यद अनस्टॉपबल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं महाजन पद के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में बताया था, तो ये एंशेंट इंडिया का पार्ट जो है वो हिस्ट्री का, ये हम आगे उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज महाजन पद लेके आए हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें महाजनपद के बारे में ये जानने की आवश्यकता है कि महाजनपद का जो कॉन्सेप्ट है वो हिस्ट्री में आया कैसे। बेसिकली जो बुद्धिज्म और जैनिज्म, इनके जो पहले के ग्रंथ हुआ करते थे, जो लिटरेचर थे, जिसको हम अंगुत्तर निकाय बोल सकते हैं, तो उन सब में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये माना जाता है कि जो महाजनपद का जो बिगिनिंग था वो 6th century BC में हुआ था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, तो जिसमें कि भारत में 16 महाजनपद यानी बड़े राज्यों का अस्तित्व था। ये राज्य बड़े राज्य इसलिए कहलाते थे क्योंकि इनका आकार उस समय, मतलब वैदिक युग में जो था, कबीलाई राज्यों से बड़ा था। अब ये कबीलाई राज्य क्या होते हैं? देखें, उसमें कबीलाई जो राज्य था उसमें क्या होता था कि एक अपने एक अलग तरीके के समुदाय के लोग छोटे जनसंख्या में निवास करते थे। लेकिन जैसे ही कबीलाई राज्यों के स्थान पे जनपद या महाजनपद आया, तो ये अस्तित्व में आने लगे और बढ़ गए। ठीक है, तो इसलिए इनके पीछे रीजन क्या है, क्या रीजन था महाजनपद या जनपद के फॉर्मेशन का, ये जानना जरूरी है। देखिए, ये इसलिए बने क्योंकि लोहे का प्रयोग होने लगा। लोहे का प्रयोग होने से क्या होता था कि कृषि के उपकरण बनने लगे, अस्त्र शस्त्र बनने लगे, तो योद्धा और कृषक जो किसान होते थे, दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में सफलता पाने लगे। तो इसी तरीके से इसकी वजह से जो है क्या हुआ, धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट होने लगा, विकास होने लगा। उस समय की जो है 4 मेजर किंगडम थे जो फाइनली 6th century BC में जो काफ़ी ज़्यादा प्रकाश में आए थे, जो जिनमें वत्स, अवंती, मगध और कौशल, ये 4 राज्य थे। ठीक है, इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। आइए वत्स के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, वत्स जो था वो कुरु क्लेन में शिफ्ट हो गया, जिसकी राजधानी कौशाम्बी बनाई गई। उस समय वत्स के जो मोस्ट पावरफुल रूलर थे उदयन थे, जिनकी डेथ के बाद वत्स अवंती में मिल गया था। जब अवंती की बात आती है तो अवंती के जो रूलर थे वो प्रद्योत थे, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से बुद्धिज्म में जो समर्पित कर दिया था। ठीक है, उनके शरण में चले गए और फाइनली जो अवंती था वो मगध में विलय हो गया उसका। कौशल की बात करते हैं। कौशल जो था उस समय का एक और बहुत बड़ा किंगडम था कौशल, जिसके फेमस जो रूलर थे वो प्रसेनजीत थे। प्रसेनजीत ने अपने सिस्टर का विवाह जो था वो बिंबिसार से कर दिया और बाद में उनको मगध एज ए डाउरी में दे दिया। ठीक है, इसके बाद काशी को उन्होंने मगध को दे दिया एज ए डाउरी। ठीक है, और उनकी डेथ के बाद ये जो कौशल था वो मगध का पार्ट बन गया। जब मगध की बात करते हैं तो मगध सबसे पावरफुल किंगडम था नॉर्थ इंडिया को समय, जिसको जरासंघ ने बनाया था। इसके बाद इसी को आगे बढ़ाते हुए बिंबसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, नंद ये बाकी लोग आए थे। ठीक है, तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। अब ये देखिए, इस स्लाइड में मैंने आपको उस समय के, मतलब 600 BC के जो 6th BC थी, 6th ईसा पूर्व शताब्दी, ठीक है, तो उस समय की जो 16 महाजनपद थे उनकी मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे आपके लिए कि इन क्षेत्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र उस समय कहाँ से बिलोंग करते थे। जैसे अगर हम कंबोज की बात करते हैं तो कंबोज जो वर्तमान का अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है वो उस समय जो है वो कंबोज हुआ करता था। गांधार पाकिस्तान का क्षेत्र जो रावलपिंडी है, पेशावर है, वो वर्तमान का जो है रावलपिंडी पेशावर उस समय का गांधार हुआ करता था। कुरु की बात कर लेते हैं। देखिए, कुरु जो है ये इस समय हमारा हरियाणा दिल्ली वाला जो क्षेत्र है वो उस समय कुरु के नाम से जाना जाता था। पांचाल की अगर बात करते हैं तो देखिए, पांचाल जो है ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, बेसिकली पांचाल 2 पार्ट में विभक्त था, उत्तरी पांचाल, दक्षिण पांचाल, मैं भी डिस्कस करूंगा उसके बारे में। सुरसेन जो है ये मथुरा वाला क्षेत्र जो था वो सुरसेन हुआ करता है। उसके बाद मत्स्य की बात कर लेते हैं। देखिए, मत्स्य क्या है, ये बेसिकली हम इसको विराटनगर यानी राजस्थान का जो इलाका है उसको मत्स्य के रूप में देखते हैं। वत्स की बात करते हैं तो कौशाम्बी जो वर्तमान में इलाहाबाद है उसको उस समय हम वत्स बोला जाता था। काशी जानते हैं आप लोग, बनारस। मल की बात कर लेते हैं। मल जो है पावा के मल और कुशीनारा के मल, जो कि गोरखपुर के आसपास, देवरिया के आसपास पड़ता है, वहाँ मल हुआ करता था। ब्रिजी ये जो है वज्जी, ये 8 राज्यों का एक संघ हुआ करता था, जो कि बिहार में गंगा का उत्तरी क्षेत्र माना जाता था। ठीक है, ये इसके बाद कौशल की बात कर लेते हैं। देखिए, कौशल फैजाबाद, गोंडा, बहराइच जो वर्तमान का है वो उसमें कौशल हुआ करता था। ठीक है, चेदी जो है वर्तमान का बुंदेलखंड, उसमें चेदी था। मगध की बात कर लेते हैं। जो मगध है
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे बार बार क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ठीक है। तो पटना जो है वर्तमान का, गया, पटना, ये सब जो है शाहबाद, ये उस समय मगध हुआ करता था। अंग अंग जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भागलपुर मुंगेर वाला जो क्षेत्र है वर्तमान का, उस समय अंग हुआ करता था। और अश्मक, ये जो दक्षिण भारत में जो क्षेत्र है नर्मदा और गोदावरी के बीच वाला जो जगह था, उसको हम अश्मक के रूप में देखते थे, जो कि दक्षिण भारत में पड़ता था, ठीक है। तो ये आप अपने दिमाग में एक इंडिया का जो मैप है इस समय का, ठीक है, उस मैप को देख करके, उसको बगल में रख करके, इस जो उस समय की जो ये इंडिया 600 BC का जो मैप मैंने यहाँ पे स्लाइड में रखा हुआ है, इसे कंपैरिजन करेंगे, तब आपके दिमाग में एक क्लैरिटी बनेगी कि वास्तव में कैसे ये चेंजेस हुए हैं, जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं, जिसको हम राजनीतिक क्रांति के रूप में देखते थे 16 महाजनपद को, कैसे चेंजेस हुए हैं, ये आपको तभी क्लैरिटी बन पाएगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब देखिए महाजनपद और कैपिटल, कम्बोज के बारे में आइए बात करते हैं। कम्बोज को अगर हम बेसिकली देखें तो देखिए कम्बोज यह राज्य गांधार के पड़ोस में था। गांधार के पड़ोस में कश्मीर का जैसे कुछ भाग, जैसे राजौरी, हजार जिले इसमें शामिल थे। तो राजपुर या हाटक जो था उस समय कम्बोज की क्या थी, राजधानी हुआ करती। इसके बाद गांधार की बात करते हैं। गांधार देखिए वर्तमान में पेशावर, रावलपिंडी और कुछ कश्मीर का भाग गांधार में शामिल था। तक्षशिला इसकी राजधानी थी। गांधार का राजा जो पुमकुसाटी, गौतम बुद्ध और बिंबिसार का समकालीन माना जाता था, उसने अवंती के राजा पद्योत से कई बार युद्ध किए थे और उसे पराजित किया था। इसकी राजधानी विद्या केंद्र थी। और आप लोगों ने सुना होगा तक्षशिला जो था वो यहाँ पे देश विदेश से विद्यार्थियाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, ठीक है, ये चीज़ें थी। उसके बाद सुरसेन की बात आती है। देखिए सुरसेन वर्तमान में मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र इस जनपद में शामिल थे। आधुनिक मथुरा नगर ही इसकी राजधानी था और बौद्ध ग्रंथों में यह जो है अयंतिपुत्र सुरसेन राज्य का उल्लेख मिलता है और वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, संरक्षक था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मत्स्य का। तो देखिए दोस्तों इस जनपद में आधुनिक राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वो राज्य जयपुर और अलवर जिले में जो शामिल थे, ये मत्स्य वाला क्षेत्र। तो विराट नगर संभवतः जो होता था ये इसकी राजधानी हुआ करती थी और ये जनपद कभी चेरी राज्य के भी अधीन रहा था, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद वत्स की बात करते हैं। वत्स काशी का जो पश्चिम वाला क्षेत्र था, जो प्रयाग के आसपास का क्षेत्र था, जनपद जो प्रयाग वाला जो वर्तमान में है वो वत्स में आता था और कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। और बुद्ध के समय इसका शासक कौन था, उदयन, मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था, जो चार मेन किंगडम बताए थे उसमें वत्स का भी नाम आता है। इसके बाद चेदी का नाम आता है। देखिए ये महाजनपद जो था यमुना नदी के किनारे स्थित था। यह आधुनिक बुंदेलखंड में पूर्वी भाग, उसके समीपवर्ती जो भूखंड थे उसमें फैला हुआ था। महाभारत के अनुसार क्या होता था, सुक्तिमती, सुक्तिमती इसकी राजधानी थी, ठीक है। लेकिन चेती या जातक, ये याद रखिएगा नाम, काफ़ी डिफिकल्ट नाम हो जाता है, उसके अनुसार जो सुक्तिमती थी इसकी राजधानी थी। और महाभारत के अनुसार शिशुपाल यहीं का शासक था। शिशुपाल, आप लोग शिशुपाल के बारे में सुने होंगे, काफ़ी फेमस करेक्टर था, जिसको श्री कृष्ण ने इसको कि अपने चक्र से जो है कि उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। इसके बाद देखिए काशी की बात कर लेते हैं। काशी जो है ये आपका वर्तमान में राजधानी इसकी जो बनारस थी, मतलब महाजनपद जो काशी था उसकी कैपिटल बनारस थी। वर्तमान में हम बनारस वाराणसी के रूप में भी इसको जानते हैं। और कौशल, मगध और अंग राज्यों के संबंध अच्छे नहीं रहे थे यहाँ से, तो इसने अपने संघर्ष, बहुत संघर्ष करना पड़ा था। और गौतम बुद्ध के समय में तो काशी राज्य का राजनीतिक पतन ही हो गया था, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो काशी जो महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ थी, वाराणसी थी। इसके बाद नाम आता है आपका, देखिए दोस्तों अवंती, ठीक है। अवंती बहुत ही फेमस था। अवंती, अवंती राजतंत्र जो है बेसिकली उज्जैन जो है उसके आसपास के जिले थे। तो पुराणों के अनुसार क्या कहा जाता है कि जो पूड़िक नामक कोई सेनापति थे, उन्होंने यदुवंशी वितिहोत्र नामक शासक की हत्या कर दी थी और अपने पुत्र जो प्रद्योत थे, ठीक, अवंती के बारे में मैंने डिस्कस किया था अभी ऊपर, क्योंकि ये भी चार किंगडम में से मेन था, जो अपने पुत्र प्रद्योत थे उसको अवंती गद्दी में बैठाया। और इसके अंतिम शासक जो थे नंदवर्धन को मगध के शासक शिशुनाग ने पराजित किया था। तो मैंने उसमें दिखाया था आपको कि कैसे कैसे वो सीरीज चल रही थी मगध वाली, ठीक है। इसे अपने साम्राज्य का अंग बना लिया, शिशुनाग ने पराजित किया, उसे अपना साम्राज्य का अंग बना लिया और यही महाजनपद दो भागों में विभाजित हो गया था। तो एक उत्तरी भाग बना, एक दक्षिण भाग बना। तो जो अवंती का जो उत्तरी भाग था उसकी राजधानी थी उज्जैन और जो उसका दक्षिणी भाग था उसकी राजधानी थी महिष्मति। तो आप इसको याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुरु की बात कर लेते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य में इस जनपद का बहुत ज़्यादा विवरण मिल जाता है वहाँ पे, जिसे वर्तमान में अगर हम हरियाणा राज्य जो दिल्ली और मेरठ वाला जो क्षेत्र था, जो उस समय जो था वो कुरु था और जिसकी उस समय की राजधानी जो हुआ करती थी वो इंद्रप्रस्थ, या उसी को हम हस्तिनापुर के भी नाम से जानते थे, तो ये हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद बात आता है आपका कौशल की। देखिए कौशल इस जनपद की जो सीमा थी
वो गंडक जो पश्चिम में पांचाल और जो सई नदी एक है वहाँ से लगा हुआ था, दक्षिण उत्तर में नेपाल वाला जो बॉर्डर था वो भी टच करता था, सरयू नदी जिसे कोसल जनपद को दो भागों में विभाजित कर दी थी, एक उत्तरी कोसल था और एक दक्षिण कोसल था। तो जो श्रावस्ती था वो उत्तरी कोसल की राजधानी थी और जो दक्षिणी कोसल था उसकी राजधानी थी कुशावती। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, तो उसको श्रावस्ती के भी नाम से जानते, कुशावती बेसिकली था। ठीक है, अब इसके बाद मल्ला की बात करते हैं। मल्ल जिसे ये जनपद वज्र संघ के उत्तर में स्थित एक पहाड़ी राज्य था वाले बेसिकली। ठीक है, इसके दो भाग थे, एक की राजधानी थी कुशीनगर और एक की राजधानी थी पावा। कुशीनगर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कुशीनगर वह स्थान था जहाँ पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, और दूसरे भाग में मैंने बताया था आपको पावा जहाँ पे वर्धमान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो वहाँ से मल्ल आता है, मल्ल का महाजनपद कहाँ था, पावा और कुशीनगर। कुशीनगर ये कहाँ पे है आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर वाला क्षेत्र है वहाँ के आसपास पड़ता है। इसके बाद आता है वज। ठीक है, वज की बात करते हैं या वज संघ की बात करते हैं। देखिए ये महाजनपद जो है मगध के उत्तर में स्थित था। ये संघ 8 कुल संयोग से बना था, इसमें 4 विदेह, जात्रिक, वज और लिच्छवी ये इसके प्रमुख थे। ठीक है, और विशाल वैशाली जो था, वैशाली वो इसके संघ की पूरी क्या थी, एक राजधानी हुआ करती थी। तो वज की राजधानी वैशाली। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों मगध। बौद्ध साहित्य में इस राज्य की राजधानी गिरिव्रज या राजगीर को बोला जाता है। यहाँ के निवासियों के बारे में जो जानकारी मिलती है उसे पता चलता है कि जो वर्तमान का पटना और गया है इसके अंग हुआ करते थे, और जो अथर्ववेद, हमारे 4 वेद हैं ठीक है याद रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में भी इस राज्य मगध का जो है वो क्या है उल्लेख किया गया है। इसके बाद अस्मक आता है। ठीक है, अस्मक भी बहुत फेमस है, मैंने आपको बताया था अस्मक एकदम दक्षिण भारत में पड़ता था। तो इसका राज्य गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित था। ठीक है, ये पाटन, जो पाटन या उसको पोटन भी बोलते थे, पोटन इसके राजधानी हुआ करती थी, और पुराणों के अनुसार क्या कहते थे कि इस महाजनपद के जो शासक थे ये इक्ष्वाकु वंश के थे। ठीक है, जातक कथाओं में भी इस जनपद के अनेक राजाओं के नामों की जानकारी मिलती है। तो अस्मक का बेसिकली जो रिलेशन था वो हमारा गोदावरी नदी के किनारे होने की वजह से वो दक्षिण भारत से इसका संबंध था। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा जो है स्लाइड वीडियो जो महाजनपद पे था ये यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसमें और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं उतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं कि कौन सी राजधानी किसकी थी 16 महाजनपदों में, और अक्सर मैच करने के लिए आ जाता है। तो अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, चाहे वो BPSC का हो, चाहे ORS का हो, UPPCS हो या फिर UPSC हो, उन सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं और ट्रेंड बन चुका है बेसिकली। जो BPSC का दे रहे हैं पेपर उन लोगों को अगर देखेंगे तो जो एंशियंट और मेडिवियल इंडिया है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आई होप आप लोग अच्छा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।